दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव इंजीनियर रोहित कुमार में। दोस्तों आज हम आपके लिए बेहद शानदार प्लान लेकर आए हैं जिसका साइज आपको बता दें, इसका साइज 25x55 यानी 25 फुट 8 इंच की चौड़ाई है, 55 फुट 4 इंच की गहराई है। गाइस इसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वो टोटल पार्किंग एरिया है और इसका फर्स्ट फ्लोर हमने डिजाइन किया हुआ है। ये दो साइड से ओपन है स्टैंड वेस्ट में, तो इसका जो फ्रंट है हमने वेस्ट साइड में रखा हुआ है, जिसके जिस तरफ आपको 20 फीट चौड़ाई का रोड मिल रहा है और ईस्ट में आपको 10 फीट चौड़ाई का रोड मिल रहा है। तो गाइस आपको नॉर्थ एंड साउथ में किसी अन्य की प्रॉपर्टी है और इसको वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया हुआ है, तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल्ड जानकारी देने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए जिससे आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप मेन रोड से यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर आपको इस मॉल के नीचे आपको गेट मिलने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग 8 या 10 फीट चौड़ाई का गेट चढ़ा सकते हैं। तो यहीं से आप नीचे पार्किंग में पहुंच जाएंगे, पार्किंग से ही आपका स्टेयर केस में जाने के लिए आपको नीचे ओपन मिलेगा और इस स्टेयर केस की मदद से आप ऐसे चढ़ते हुए आप फर्स्ट फ्लोर पर आ पहुंचेंगे। अब आप दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर आ गए तो आप फर्स्ट फ्लोर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप स्टेयर केस को समझ लीजिए। इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है ये 3 फुट 6 इंच है, क्योंकि इस पे बार बार कंटिन्यूटी के साथ आप चढ़ते जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, ऐसी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, ऐसी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और ये अलग हमने इसलिए रखा है कि आप एज अ रेंट पर्पज से भी अगर ये अपना पूरा फ्लैट देते हैं किसी को तो इसमें से पूरा जो है प्राइवेसी बनी रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइजर हमने रखा है वो 7 इंच है और इसका ट्रेड जो है वो 10 इंच का रखा हुआ है, 10 इंच आप देख सकते हैं। और इस स्टेप की चौड़ाई जो है हमने 3 फुट 6 इंच रखी हुई है, जिसे आप कोई सामान भी ले जाना चाहते हैं ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ना आए। और इधर आगे की तरफ आपको पूरा पूरा वेंटिलेशन के लिए ग्लास विंडो मिल रही है, जिससे आपको वेंटिलेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब चलिए एंट्री करते हैं अपनी डाइनिंग एंड लॉबी में। तो मेन गेट आपको 4 फुट का यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा चढ़ाने चाहे तो आप बड़ा भी गेट लगा सकते हैं। तो इसके पास में आपको जो मिल रही है वो आपको विंडो मिल रही है, जिससे आपको डाइनिंग एंड लॉबी में प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। गाइस इस लॉबी एंड डाइनिंग का साइज आप देख सकते हैं, इसका साइज 13 फुट 5 इंच बाई 25 फुट 9 इंच है, जो कि आपको लॉबी कम डाइनिंग मिल रहा है। यह हॉल आप काफी यूज में ले सकते हैं। इसी के जस्ट पास से आपको एक गेट देखने को मिल रहा होगा, इससे एंट्री करने पर आप अपने फर्स्ट बेडरूम में एंट्री कर लेते हैं, जिसका साइज आपको देखने को मिलता है 16 फीट 3 इंच बाई 14 फुट 6 इंच, जो कि काफी बड़ा है। इसी में गाइस हमने एक अटैच लैंड वाथ दिया हुआ है, जिसका साइज 4x6 आपको मिल रहा है। इसी में आपको पीछे ये वार्डरूम मिल रही है, जिसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। गाइस इस लैटरिन बाथरूम के लिए हमने एक ये आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड किया हुआ है और इससे बेस्ट की तरफ आपको यहाँ पर विंडो देखने को मिलती है, जिसका साइज 4 फुट है। अब गाइस इसमें आप 3 फुट 3 इंच का आपको बालकनी एक्सेस करने के लिए गेट मिल रहा है, इसमें आप गमले वगैरह बालकनी पर लगा सकते हैं इस तरह से। अब आपको ले वापस चलते हैं डाइनिंग एंड लॉबी में। तो यहीं से आपको एक दूसरा बेडरूम आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसका साइज 14x10 फुट 4 इंच बाई 12 फुट है। गाइस इसी में आपको हमने एक विंडो 4 फुट का प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपको लॉबी एंड डाइनिंग की तरफ मिल रहा है, क्योंकि लुक वाइज भी काफी बेटर दिखाई देने वाला है। और इसी में आपको दूसरा विंडो जो देखने को मिलता है वो शाफ्ट की तरफ है, शाफ्ट से आपकी जो है लाइटिंग प्रॉपर वेंटिलेशन देखने को मिलता रहेगा। जो शाफ्ट का साइज आपका है 5 फुट बाई 6 फुट का है, जिसमें हमने एक 2.5 फुट का डोर भी दिया हुआ है, इसको आप एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं और इससे एक्सेस कर सकते हैं इस डोर से। अब गाइस वापस चलते हैं
तो आपको लोबी से ही देखने को मिलता है कोमल लैटरिन। कोमल लैटरिन का साइज हमने 5 फुट बाई 4 फुट रखा हुआ है, जो कि काफी बड़ा साइज है। आप देख सकते हैं ओनली कोमल लैटरिन है। आपको आगे बढ़ने पर ये देखने को मिलता है कॉमन बाथरूम। बाथरूम का साइज भी काफी बड़ा है गाइस, 5 फुट बाई 9 फुट। और इसमें आप लग्जरियस बाथरूम बना सकते हैं। इसमें बाथ वगैरह भी बाथ टब भी रख सकते हैं। इसमें आप शावर वगैरह भी लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कॉमन बाथरूम की तरह। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वेंटिलेटर, और आपको लेटरिंग में भी वेंटिलेटर देखने को मिलता है गाइस। तो आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आप चलते हैं अपनी किचन की तरफ। किचन आपकी काफी बड़ा साइज है किचन का भी, तो आप देख सकते हैं 8 फुट 3 इंच बाई 12 फुट 10 इंच का जो आपका किचन मिल रहा है, जिसका गेट दोस्तों हमने ओपन रखा हुआ है, क्योंकि पीछे हमने इसमें फुल ग्लास विंडो यूज की हुई है, जिससे इसका वेंटिलेशन आपको प्रॉपर लोबी एंड डाइनिंग में मिलता रहे। और इसका जो स्लैब है वो हमने एल टाइप डिजाइन किया हुआ है, और मेन गेट आपको ओपन हमने आर्क टाइप डिजाइन किया हुआ है। तो गाइस ये भी आपका पूरा मॉडुलर किचन बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं आप थर्ड बेडरूम में या अपने मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं, जिसका साइज भी काफी बड़ा है दोस्तों, 15 फुट 6 इंच बाई 12 फुट 10 इंच, जो कि काफी जबरदस्त है। इसमें हमने एक अटैच लेट बाथ भी दिया हुआ है, जिसका साइज आपको मिल रहा है 5 फुट बाई 7 फुट। इसमें आपको गैस वेंटिलेटर के लिए आपको शाफ्ट में ही 2 फिट का वेंटिलेशन लगाने को मिलता है। तो आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मेल वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। अब इसमें आप बालकनी को एक्सेस करने के लिए हमने 3 फुट 3 इंच का एक डोर दिया हुआ है आपको, और इसी में जस्ट पास में आपको 4 फुट का एक विंडो देखने को मिलता है, वो भी ग्लास विंडो, जिससे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गाइस जो वेंटिलेशन वगैरह की। आप देख सकते हैं ये आपको रोड साइड में ईस्ट एरिया में आपको बालकनी देखने को मिलती है 3 फुट के, जिसमें आप गमले वगैरह लगा सकते हैं और आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो गाइस ये प्लान आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से भी कोई हमें अपना जो प्लान हमसे बनवाना चाहता है, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 8192827743 पर कॉन्टेक्ट करके हमें बता सकते हैं। गाइस इसमें हमने जो है कॉलम का भी प्रोविजन रखा हुआ है, आपके टोटल 15 कॉलम आ रहे हैं इसमें, जो आपके वॉल के साइड के 5 कॉलम इधर के और 5 कॉलम इधर के नॉर्थ एंड साउथ एरिया के कॉलम्स जो है वॉल पर, वो आपके 9 बाई 12 इंच के रखे हुए हैं, और जो बीच के आपके 5 कॉलम्स आ रहे हैं वो आपके 9 बाई 15 इंच के हैं, जिसमें आपकी 8 रिंग्स आ रही है, और आप जो साइड वाले हैं उनमें आपकी 6 बार आ रही है, 8 बार और 6 बार ध्यान रखना। और इसमें हमने इसलिए कॉलम कम रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका पार्किंग है, तो आपको पार्किंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ये 2 कॉलम ही देखने को मिलते हैं, बाकी सारे कॉलम आपको वॉल में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पूरा पूरा आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे आपकी फाउंडेशन पर, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया हुआ इस बिल्डिंग को। आपको ये नक्शा कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक तो कर ही दो ना दोस्तों, क्योंकि काफी मेहनत लगी हुई है इसमें। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।